मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर सेकंड, मैक्स मैसीरू। मैक है एक जो लड़का है, एक लड़के का नाम है मैक और मैसी मीन अव्यवस्थित। मैक का अव्यवस्थित कमरा आज पढ़ेंगे हम ये चैप्टर आपका सेकंड। गेट रेडी। इन द गिवन पिक्चर, जो ये पिक्चर दी गई है, लुक एट द थिंग्स carefully which fell down on the floor. Now unscramble and write the word. इसे आप इधर उधर अव्यवस्थित वर्ड है, इनको आप सही करेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, ए बी टी लिखा है तो आप इसे लिखेंगे बैट, बी ए टी। इसको सही ढंग से करेंगे, बी ए टी। ओके, ऐसे ही आप अपना सही सब सही कर लेंगे इसको, क्योंकि ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है। ओके, चैप्टर पढ़ते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। मैक वाज अ नॉटी बॉय। मैक क्या है? एक बहुत ही शरारती लड़का है। हिज रूम वाज मेस। उसका कमरा क्या है? अव्यवस्थित है। दिख रहा है ना आप लोगों को? लुक एट द पिक्चर। मैक का कमरा कितना अव्यवस्थित है, सब सामान इधर उधर फैला हुआ है और गिरा हुआ है, दिख रहा है ना? यस। देयर वर बैट ग्लव्स ऑन द फ्लोर। कहीं बैट पड़ा हुआ है, कहीं ग्लव्स पड़े हुए हैं फ्लोर पर। देयर वर बुक्स बाय द डोर। और किताबें कहाँ पड़ी हुई हैं? दरवाजे के पास। देयर वर पैंट्स ऑन द बेड। और मैक की पैंट कहाँ पड़ी हुई है? उसके बेड पर पड़ी हुई है। मैक्स डैड केम। मैक्स के पिता आते हैं, उसके पापा। ही गॉट एंग्री टू सी मैक्स मैसी रूम। वह मैक के ना अव्यवस्थित रूम को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं मैक के ऊपर। ही सेड, और फिर कहते हैं, इज दिस योर रूम? क्या यह तुम्हारा कमरा है? हाउ मेसी इट इज। यह कैसे है सब? क्या किया है ये सब तुमने? क्लीन इट एट वंस। तुरंत इसे तत्काल सब रूम को क्या करो? साफ करो, सेट करो इस रूम को। उसके फादर कहते हैं, ही वॉज नॉट हैप्पी। वह खुश नहीं है। मैक गॉट टू वर्क। मैक चला जाता है, काम पर लग जाता है। ही मेड हिज बेड। सबसे पहले वह अपना बिस्तर सही करता है। ही पुट हिज टॉयज इन द टॉय बॉक्स। सब खिलौने उठाकर, अपने टॉय उठाकर कहाँ पे रखता है? वो खिलौनों के डिब्बे में, टॉय बॉक्स में रखता है। ही पुट हिज बुक्स ऑन द शेल्फ। और अपनी किताबों को उठाकर अलमारी पे जो शेल्फ बना होता है उसमें रखता है। He folded his pants and put it properly. वह अपनी पैंट को उठाता है और उसको फोल्ड करता है ऐसे करके, और इसको सुव्यवस्थित स्थान पर रख देता है जहां वो कपड़े अपने रखता है। Max's dad came back. जब उसके मैक के पापा दोबारा वापस आते हैं, You did a great job. वो खुश होते हैं कि हाँ, अब ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो अपना रूम आपने अच्छा कर दिया, तो ये बहुत अच्छा काम है। He said, और उन्होंने कहा, Mac and his dad were happy. और अब सब रूम जब इसका नीट क्लीन हो गया, तो मैं और उसके फादर दोनों बहुत खुश थे। Your chapter is closed. You revise it at home. Okay?